दोस्तों आज नजर डालने वाले हैं चार खबरों के बारे में, जिनमें से दो जुड़े हुए हैं आपके अपने व्हाट्सएप से। एक व्हाट्सएप की खबर आपको खुश कर सकती है, दूसरा थोड़ा सा आपको मायूस कर सकता है, तीसरी जो खबर है दोस्तों फेसबुक के बारे में, और चौथी सबसे जरूरी खबर आज का जो है वो है अमेज़न। अमेज़न से कोई व्यक्ति खरीदने की कोशिश करता है एप्पल वॉच 51,000 रुपये की, पर उससे मिल जाता है 250 रुपये का एक बाजार वाला घड़ी, यानी कि बच्चों वाला घड़ी। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने क्या किया, क्या उसे रिफंड मिला या रिप्लेस हुआ, जो भी हुआ आगे इस एपिसोड में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज़ नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं व्हाट्सएप की बुरी खबर से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप के ऊपर नज़र बनाए रखने वाली व्हाट्सएप बीटा इन्फो की तरफ से एक अपडेट आया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो हम व्हाट्सएप में बैकअप लेते हैं वो बैकअप जाता है गूगल ड्राइव में। अब यहाँ पे गूगल ने जो है इसे लिमिटेड करने के बारे में सोची है, यानी कि अब आप बैकअप जब लोगे वो अनलिमिटेड हुआ करता था, लेकिन अब जो आप लोगे वो अब लिमिटेड रहेगा, यानी कि बैकअप आपको पुराने डिलीट हो जाएंगे, या तो फिर आपसे यहाँ पे ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आपको किसको स्टोर करके या बैकअप कर किसका लेना है किसका नहीं लेना है, या तो फिर आपकी जो स्टोरेज लिमिट है वो यहाँ आपको कैपेसिटी जो है वो दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है, जो लोग अपना व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी मायूसी वाली खबर है। तो अगला जो खबर है दोस्तों वो आपको खुश कर सकती है। दरअसल ये भी व्हाट्सएप के बारे में ही, व्हाट्सएप बीटा इन्फो की तरफ से ये कहा गया है कि जो मैसेज हम भेजते हैं डिलीट फॉर एवरीवन वाला जो ऑप्शन है व्हाट्सएप के अंदर, यानी कि जो मैसेज आप डिलीट कर दोगे तो अगले को जो आपने भेजा हुआ है वो भी डिलीट हो जाता है, दोनों तरफ से डिलीट हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो है 8 मिनट 16 सेकंड का था, जिससे बहुत जल्दी व्हाट्सएप के तरफ से जो है इससे बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे टाइम लिमिट जो है बढ़ा दी जाएगी। ये टाइम होने वाला है दोस्तों 2.5 दिन, यानी कि 2 दिन 12 घंटे का यहाँ पे टाइम आपको मिल जाएगा अपने मैसेज को डिलीट करने के लिए। हालांकि ऑफिशियल अपडेट इसके बारे में कुछ आया नहीं है, लेकिन ये जो खबर है इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो बहुत जल्दी ये जो है आपको मिल जाएगी। अगली खबर है दोस्तों फेसबुक के बारे में। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, फेसबुक यहाँ पे नाराज है भारतीय यूजर्स से, फेसबुक के हिसाब से कि भारत में अब जो है लोग कम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप जान रहे होंगे टेलीकॉम कंपनीज जो थे भारत में, जो प्लान्स पुराने प्लान्स थे उनको 25% ज़्यादा जो है यहाँ पे कर दिया, यानी कि 25% एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करना पड़ रहा है। तो लोग यहाँ पे संभल कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है यहाँ पे दो प्लान के बीच में कुछ स्पेस, कुछ दिन का स्पेस लेना भी शुरू कर दिया है। तो इसके लिए इसका सीधा असर जो है फेसबुक पर पड़ रहा है। अगर भैया आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो इन कंपनियों से बात करके रेट ही कम कर दो, तब ना हम समझेंगे। अब नहीं, आप मतलब कुछ भी करो और फेसबुक इस्तेमाल करो, फेसबुक के हिसाब से ये है। तो हम भैया इंडियन से जुगाड़ वाले लोग हैं, तो हम हमेशा अपनी तैयारी में रहते हैं। अब आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो दोस्तों मुझे लगता है आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल यहाँ पे किसी ने अमेज़न से, ये खबर जो है मैंने आज तक पर पढ़ा है, आप देख सकते हैं, अमेज़न से किसी ने 51,000 रुपये की एक घड़ी खरीदी। 51,000 रुपये की घड़ी मतलब कौन सी घड़ी, एप्पल की स्मार्ट वॉच, जो कि 50,999 रुपये जिसकी कीमत है। फिलहाल 52,900 रुपये इसकी कीमत है, लेकिन शायद ऑफर दे के कुछ 51,900 रुपये की पड़ी थी, तो इन्होंने ऑर्डर किया, फिर पैकिंग वगैरह जैसा था सब कुछ वैसा ही था। सेलर का जो नाम है अमेज़न से जो ऑर्डर किए थे, अपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, सब कुछ सही, मतलब पैकिंग वगैरह सब कुछ सही होने के बावजूद अंदर से निकलता है एक 2,400-2,500 रुपये की घड़ी। अब यहाँ पे जिन्होंने खरीदा था वो अमेज़न से बात करते हैं, अमेज़न कहता है कि आप इसके बारे में जाओ एप्पल के सर्विस सेंटर, वहां से जाके उनसे अप्रूव लेके आओ, तब जाके हम इससे जो है कि अगला जो भी कुछ करेंगे। तो यहां से वो लेकर आते हैं, फिर भी जो है यहां कुछ नहीं होता है, कुछ दिन का वेट करना पड़ता है, फिर ट्विटर का सहारा लेते हुए ट्विटर में अमेज़न से मदद मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी और अच्छी काम इस खरीदने वाले व्यक्ति ने, हालांकि ये एक महिला है, इन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि उसको अनबॉक्स करते दौरान उसकी वीडियो बना ली थी। जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा आप सबसे कहता हूँ कि आपको भी ऐसा ही करना है, जब भी कोई चीज़ खरीदें तो उसका वीडियो बना लें, ताकि आपके पास एक एविडेंस रहे, एक सबूत रहे, अगर कुछ हो जाता है तो आप यहाँ पर अपना क्लेम मांग सकते हो, अपने लिए रिफंड या रिप्लेस के लिए उस वीडियो क्लिप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑनलाइन से कुछ भी खरीदने के बाद एक्साइटमेंट में आप उसको डायरेक्ट ना खोलकर होजो आवाज में उसकी एक वीडियो जरूर बनाओ, वीडियो के सामने उसकी पैकेजिंग दिखाओ, अच्छे से बॉक्स को दिखाओ, फिर धीरे धीरे करके जो उसे अनबॉक्स करो। अब यहाँ फाइनली अमेज़न की तरफ से ये कहा गया है कि आपको जो है रिप्लेस या रिफंड जो भी आप चाहेंगे वो हो जाएगा या मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सेलर का मैंने नाम लिया, अपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, हालांकि सेलर, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेलर गलत है, हालांकि अमेज़न में बहुत सारे ऐसे सेलर्स भी है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो और भी बनाया हुआ था तकरीबन 1.5 साल पहले। तो यहाँ पर ये सेलर की
और इस सेलर से बहुत सारे और भी लोगों ने बहुत सारी घड़ियां खरीदी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो घड़ियां या फिर बाकी सारी चीज़ें खरीदी हुई है और वो लोग खुश है। इसका मतलब है कि सेलर को हम यहाँ गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से सही भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में किसी के जरिए से ऐसा कुछ हुआ है या फिर हो सकता है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा। मुझे सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आप अपनी सावधानी और सतर्कता के साथ ही अनबॉक्स करो, वीडियो बनाओ। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगती वीडियो को लाइक करिए, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।